सभी को मेरा प्रणाम। आज समाधि शतक ग्रंथ के स्वाध्याय का 35th सेशन है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और अब हम समाधि शतक ग्रंथ के स्वाध्याय के अंतिम चरणों की ओर ही है। सो मैं जीतू भाई को इनवाइट करता हूं जैन योग के इस मंच के ऊपर के आज के स्वाध्याय की शुरुआत करें। जीतू भाई प्रणाम। प्रणाम नील भाई। समाधि शतक ग्रंथ के अंतिम चरण में हम पहुंच गए हैं और आज हम शेष 15 श्लोक जो पूज्यपाद देवनंदी जी द्वारा विरचित हैं एवं महोपाध्याय यशोविजय जी द्वारा इस ग्रंथ को गुजराती में अवतरित किया गया है। इस विषय पर हम कई सप्ताहों से चिंतन करते आ रहे हैं। मनुष्य जीवन का लक्ष्य समाधि होना चाहिए। लोगस सूत्र में और प्रार्थनाओं में परमात्मा के पास जो प्रार्थना की गई है उसमें ये कहा गया है कि समाहि वरम उत्तमम दिन्तु, मुझे श्रेष्ठ समाधि प्राप्त हो। श्रेष्ठ समाधि प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? अलग अलग दर्शनों ने इस प्रश्न का जवाब खोजने के लिए साधना की है। साधना करके उनको जो जो मार्ग लगा, श्रेष्ठ लगा, हितकारी लगा, या जिस मार्ग से चलते हुए उन्होंने समाधि को प्राप्त किया, उन मार्गों की चर्चा की है। वितराग परमात्मा के मार्ग में हमें ये दर्शाया गया है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीन का आचरण करते हुए हम मोक्ष के प्रति आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए ये तीन का समूह मोक्ष मार्ग कहा गया है। समाधि शतक में इस मोक्ष मार्ग की साधना किस प्रकार से करनी चाहिए, इसका पूज्यपाद देवनंदी जी, महोपाध्याय यशोविजय जी एवं अन्य बड़े बड़े साधकों ने, संतों ने, महात्माओं ने उसका विवेचन किया है। समाधि तंत्र ग्रंथ के हम 85वें 85th श्लोक के आज आगे बढ़ेंगे। उसके पहले हम थोड़ा पिछली बार जो हमने स्वाध्याय किया था उस विषय में थोड़ी चर्चा करेंगे। इस ग्रंथ का मुख्य विषय तो आत्मा की तीन अवस्थाओं पर चिंतन करना है। आत्मा की तीन अवस्था, बहिरात्मा अवस्था, अंतरात्मा अवस्था और परमात्मा दशा, परमात्मा अवस्था। प्रत्येक जीव इन तीन दशाओं में से किसी एक दशा में जीवन जीता है। अधिकतर संसार के सभी जीव, सभी प्राणी बहिरात्म दशा में ही जन्म लेते हैं और बहिरात्म दशा में ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं। कहने का मतलब यह है कि अधिकतर लोग ये बहिरात्म अवस्था से बाहर निकल नहीं पाते। बहिरात्म अवस्था से बाहर निकलने का मतलब है कि हम राग, द्वेष, मोह, अज्ञान इन सब से मुक्त हो और अंतरात्मा में प्रवेश करें। इसके लिए पूज्यपाद देवानंद जी कहते हैं कि आत्मा को आत्मा के अंदर ही देखने की कोशिश करनी चाहिए। आचार्य हेमचंद्र सूरि, कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सूरीश्वर जी योग शास्त्र में बताते हैं कि हमें किस तरह से साधना करनी चाहिए। आत्मा के द्वारा ही हमारी साधना होगी, आत्मा में ही साधना होगी और आत्मा को देखना ही हमारी साधना होगी। तो आत्मा के द्वारा आत्मा में आत्मा स्थित हो, वही
अध्यात्म है वही समाधि की तरफ हमारा प्रयाण है। तो यहाँ पूज्यपाद देवानंदी जी कहते हैं कि बाह्य पदार्थों से मुक्त हो करके, पर पदार्थों से मुक्त हो करके जब आत्मा में ही आत्मा को देखे और उसी को स्व समझे। अब यहां एक बात और जोड़ देते हैं कि स्व क्या है, स्व आत्मा ही है, वही रहने वाला है, देह छूट जाने वाला है। मृत्यु जब होती है तब ये औदारिक शरीर, औद्गलिक शरीर यहीं छूट जाता है। दृष्ट्वा देहादिकं बहि, देहादिक को बाह्य जान करके इस ज्ञान को जब अभ्यास पूर्वक अपने जीवन में बार बार घूटता है, बार बार उसका चिंतन करता है, तब अच्युत स्थिति को प्राप्त होता है। मतलब फिर उसकी आत्मा देह में भटकती नहीं है, देह में आसक्त नहीं होती है। तो इस प्रकार से उन्होंने ये बात बताई कि जब हम आत्मा में आत्मा को देख करके, आत्मा ही स्व है बाकी सब पर है ऐसा देख लेते हैं, ऐसा अनुभव करने लगते हैं, तब हमें विश्व के सारे पदार्थ और विश्व के सभी जीव हमें उन्मत्त वत मतलब पागल की तरह दिखाई देने लगते हैं। कर्म राजा के प्रभाव से संसार के सभी जीव नाटक के अंदर जैसे अलग अलग पात्र अपने उचित पात्र का अभिनय करते हैं, उसी प्रकार यहां भी जीव कर्म राजा के द्वारा अभिनय करता हुआ अपने जीवन को व्यतीत कर देता है। लेकिन ये नहीं समझ पाता है कि यह मेरे कर्मों के द्वारा मुझे प्राप्त अभिनय है, उस अभिनय को मुझे समझना चाहिए और मुझे उससे मुक्त होना है। तो उसके लिए कहा कि जब आप आत्मा को स्व समझने लगते हैं, उसी में स्थिर होने की कोशिश करते हैं, तब बाह्य जगत हमें उन्मत्तवत या काष्ठवत दिखाई देने लगता है। उन्मत्तवत इसलिए कहा कि संसार के सभी प्राणी उन्मत्त मतलब कर्म राजा के द्वारा पिलाए गए शराब के कारण यानी कि कर्म के प्रभाव से जीव भूल जाता है, जीव को ये याद नहीं रहता है कि मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए और मुझे कहां तक पहुंचना है, ये बात उनके दिमाग में से हट जाती है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि अन्य जीवों को जब देखता है तो उनको लगता है कि ये उन्मत्त, और संसार के सभी पदार्थों को जब देखता है तो उनको ये लगता है कि ये जड़ है और जड़ होने के कारण मुझे उसमें आसक्त नहीं होना चाहिए। ये सब सुनने में अच्छा लगता है, जब हम सुनते हैं तब हमें लगता है कि हम बहुत ही महत्वपूर्ण बात सुन रहे हैं और अत्यंत आचरणीय बात सुन रहे हैं, लेकिन सुनने मात्र से कोई लाभ नहीं होता है। उसके प्रति भी हमें सावधान किया है पूज्यपाद देवानंदी जी ने कि आप बहुत अच्छी तरह सुनते हो, सुनने की इच्छा भी है कि बाहर की बातें सुन सुन करके हमारे कान पक गए हैं, अब हमें लगता है कि हमें बाहर की बात सुननी ही नहीं है, हमें आत्मा की बात ही सुननी है। लेकिन सुनने से कोई विशेष लाभ नहीं होगा, आप दूसरे को कहोगे भी सही कि भाई अब तो मुझे और कुछ अच्छा लगता नहीं है, लेकिन आगे कहते हैं कि जब तक आप उसको भावना के द्वारा अपनी आत्मा को भावित नहीं करते हैं तब तक आप मोक्ष के लिए योग्य नहीं बनते हैं। इसलिए भावना पर जोर देते हैं कि भावये, बार बार भावना करनी चाहिए, जब भी मौका मिले, जहां भी देखे हम, सुने, खाए, पिए, गंध का अनुभव करें, तब यही बात हम करें, इंद्रिया के द्वारा मैं पदार्थ का बोध कर रहा हूं और वो सारे पदार्थ मैं नहीं हूं, मैं उनसे पर हूं। इस प्रकार की भावना बहाने से ही एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि स्वप्न में भी हमें ये बोध होने लगेगा कि मैं इस जगत से पर हूं, देह से पर हूं। तो ये बात उन्होंने बहुत स्पष्ट कही कि
की भावना भानी चाहिए। जितनी भावना भाते जाएंगे अधिकतर उतना ही लाभ ज्यादा होगा। और अंत में कहते हैं कि जब इस प्रकार की भावना भाते भाते आगे बढ़ते जाएंगे तब आपको पाप की तरह पुण्य भी हेय दिखाई देने लगेगा कि पुण्य भी मुझे बांधता है, पुण्य भी मुझे इस संसार में बांध कर रख देगा। पुण्य से मुझे इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति हो जाएगी लेकिन पुण्य से आत्मा मुक्त नहीं हो पाएगी, इसलिए पुण्य से भी मुक्त होने की कोशिश करेगा और अपनी आत्मा में साधना करके स्थिर रहने की कोशिश करेगा। ये बात सुनकर के कई लोगों को ये लगेगा कि यहाँ तो पाप नहीं करने की बात तो ठीक लगी है, पुण्य भी नहीं करने की बात है तो अच्छा भी नहीं करे, दान भी ना दे, लोगों पर कृपा भी ना करे, करुणा भी ना करे, मैत्री भी ना करे, यहाँ तो सब कुछ हेय बताया है तो मैं कुछ करता नहीं हूं इसलिए मैं अब धार्मिक हो गया हूँ, मैं अब श्रेष्ठ हो गया। उसके लिए कहते हैं कि जो व्रत पालन नहीं करते हैं उनको व्रत करना चाहिए, मोक्षार्थी है तो व्रत का पालन करना चाहिए, और व्रत का पालन करते हैं तो उनके मन में ये भावना आनी चाहिए कि पुण्य भी त्याग करने लायक है, व्रत के द्वारा मुझे साक्षी भाव की तरफ आगे बढ़ना है। तो इस प्रकार से व्रत के प्रति भी सजग होने की बात कही। फिर आगे चलकर ये कहा कि अंतर्जल्प और बहिर्जल्प, जिसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं कि बहिर्जल्प जब मौन धारण करते हैं तो हम बहिर्जल्प छोड़ देते हैं लेकिन अंतर्जल्प यानी मन के अंदर विकल्पों की एक पूरी धारा बहती रहती है और विकल्प इतने सारे हमने उनको बुन कर रखे हैं, इतने सारे विकल्प हमारे मन में निरंतर चलते रहते हैं। इसी कारण जब हम सो जाते हैं तब भी हमारा अजागृत मन सबकॉन्शियस माइंड में भी विकल्प चालू रहते हैं, विकल्पों के प्रति हमारा इतना अभ्यास है इसके कारण विकल्प को भी हम छोड़ते नहीं है। तो कहते हैं कि यहाँ जब आप ध्यान करने की कोशिश करते हैं तो विकल्प अंतर विकल्प अंतर जल्प को भी त्याग करने की कोशिश करें। तो उसका मूल कारण ये है कि अंतर जल्प से भी संसार की वृद्धि होती है और संसार छोड़ने लायक है क्योंकि संसार ही दुख का कारण है और संसार का मूल कारण ये विकल्प है, विकल्प से ही ये सारी समस्या उत्पन्न होती है। उसको दूर करने के लिए कहते हैं कि जो साधना करना चाहता है उसको विकल्पों को जीतने की कोशिश करनी चाहिए। अब उसका मार्ग दिखा रहे हैं, जो आज हम नया स्वाध्याय शुरू कर रहे हैं ये हमने पिछली बार जो स्वाध्याय हुआ था उनका संक्षिप्त में पुनरावर्तन किया। आज 86 श्लोक में ये कह रहे हैं कि अव्रति व्रतम आदाय। अब कहते हैं कि कैसे मार्ग कैसे हमें बनाना चाहिए, हमारी साधना का मार्ग कैसा होना चाहिए। साधना के मार्ग में सबसे बड़ा कोई प्रॉब्लम हो, समस्या हो तो वो विकल्पों की समस्या है। हम कोई भी कार्य करने लगते हैं तो विकल्प शुरू हो जाते हैं, ये करो तो अच्छा, वो करो तो अच्छा, ऐसा करने से लोग क्या कहेंगे, मुझे कोई लाभ होगा या नहीं होगा, इस प्रकार की पूरी चिंतन की धारा मन में शुरू हो जाती है। ये सारे सबसे ज्यादा विकल्प किसके मन में होते हैं, तो कहते हैं कि जो अव्रती है उसके मन में सबसे ज्यादा विकल्प होते हैं, जो व्रत का आचरण नहीं करता है उनके लिए तो सारे आरंभ समारंभ के सब मार्ग खुले होते हैं, पूरे संसार के सभी मार्ग खुले होने के कारण वो एक चौराहे पर खड़ा है और चौराहे पर जब हम खड़े होते हैं, क्रॉस रोड पर हम खड़े होते हैं और कोई लक्ष्य नहीं होता है तो विकल्प इतनी झड़प से इतनी जल्दी से बढ़ने लगते हैं कि मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, मैं वापिस जाऊं या आगे बढ़ूं,
ये सारी समस्या मन में उत्पन्न हो जाती है, विकल्पों की परंपरा शुरू हो जाती है और मोह जागृत हो जाता है, अज्ञान उसमें कारण बनता है। तो इस प्रकार से जो अवृति है, अवृति के लिए मतलब जिसके जीवन में व्रत का आचरण नहीं है, जो संयम का पालन नहीं करता है, जिन्होंने अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह जैसे व्रतों के पालन के प्रति जरा भी लक्ष्य नहीं दिया है, जरा भी सोचा नहीं है, उनके लिए संसार के सभी रास्ते खुले हैं और संसार के सभी रास्तों पर चलने के लिए वो तैयार होता है। उनकी मजबूरी ये है कि शारीरिक शक्ति अल्प है और संभावनाएं बहुत है, तो संभावनाएं बहुत होने के कारण उनको मन में ये प्रश्न उठता है कि मैं कहाँ जाऊं, किस तरह जाऊं। और जब आगे बढ़ता है, उद्देश्यहीन, लक्ष्यहीन, तब पछताता है, तब विकल्प और बढ़ने लगते हैं कि मैंने पहले सोचा होता तो अच्छा होता, मैंने ऐसा नहीं किया होता तो अच्छा होता है। तो इस प्रकार के प्रश्नों की एक परंपरा मन में खड़ी हो जाती है, उसमें भ्रम भी कारणभूत होता है। जीव सुख की अपेक्षा से कार्य का प्रारंभ करता है, लेकिन व्रत नहीं है, संयम नहीं है, जीवन में व्रतों के आचरण के प्रति जरा भी रुचि नहीं है, तो उसके कारण वो ये सोचने लगता है कि जो करना है करो, जैसा संयोग बनेगा वैसा हम करेंगे, बाकी सब दिखाई देख लेंगे, बाकी जो होना होगा वो होगा। वैसे भी कहा है कि होनी को कोई रोक सकता नहीं है, तो मैं क्यों चिंता करूं। इस प्रकार के भाव से वो अनेक प्रकार के विकल्पों के जाल में फंस जाता है, विकल्प स्वयं खड़े किए हैं और उसी जाल में वो फंसता जाता है। ऐसी स्थिति में, ऐसी दशा में जीव को क्या करना चाहिए, ये सबसे भयंकर स्थिति है, सबसे भयानक भयावह स्थिति है कि जब आपके पास कोई उद्देश्य नहीं है, आपके पास सारी साधन सामग्री है, यानी पंचेंद्रिय की पटुता है, बुद्धि की तीव्रता है, आप बहुत अच्छी तरह सोच सकते हैं लेकिन उद्देश्य नहीं है, जीवन में कोई नियम नहीं है, जीवन में क्या करना चाहिए उसके प्रति आप जागृत नहीं है, तो ये जीव सबसे ज्यादा पीड़ा पाता है, पीड़ा वो अर्जित कर लेता है। उसी कारण ये जो समस्या है, उस समस्या के समाधान के लिए संत महात्माओं ने जो मार्गदर्शन दिखाया है वो ये बताया कि अव्रति को व्रत का आचरण करना चाहिए। तो व्रत का आचरण करने से जो बहुत आरंभ समारंभ की संभावनाएं थी वो सारी समाप्त हो जाती है या कम हो जाती है। जब समस्याएं या जो संभावनाएं हैं वो कम होने लगती है तो उसके लिए बहुत आसान हो जाता है कि नहीं, मुझे अब तो इसी मार्ग पर चलना है और इस मार्ग के लिए मुझे पूर्ण मनोयोग से साधना करनी है, तो मन के विकल्प टूटने लगते हैं। आप जब व्रत का आचरण करके आगे चलते हैं तो आपके लिए एक ही रास्ता आगे बढ़ने का होता है और उसी मार्ग पर आगे चलने का उत्साह भी होता है। इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए हम अनेक प्रकार के आरंभ समारंभ से बच जाते हैं। तो अव्रति के लिए पूज्यपाद देवानंद जी जो मार्गदर्शन देते हैं वो यह है कि अव्रति व्रतम आदाय, अव्रति को व्रत का आचरण करना चाहिए, व्रत ग्रहण करना चाहिए, व्रत को और जीवन में स्थान देना चाहिए, उससे विकल्प शांत होने लगेंगे। और जब व्रत का आचरण कर लिया तो क्या होगा, व्रत ही हमारा डेस्टिनेशन नहीं है, व्रत तो मार्ग है, व्रत का आचरण करते हुए हमें और भी आगे बढ़ना है। इसलिए व्रती को अब कहते हैं कि भाई आपने व्रत धारण कर लिया, तो व्रत धारण कर लिया तो कार्य समाप्त नहीं हो जाता है। आगम ग्रंथों में संतों ने, महात्माओं ने एक बहुत अच्छी बात कही है, बात ये कही है कि जब किसी जीव को वैराग्य उत्पन्न होता है, उनको ये लगने लगता है कि संसार असार है, लगता तो हमें भी है,
लेकिन आचरण के लिए हम तैयार नहीं होते। लेकिन किसी किसी जीव में ये बात इतनी गहराई तक पहुंच जाती है और वो इस संसार से मुक्त होने की तैयारी करने लगता है। महाराज जी के पास जाकर के संयम ग्रहण करने की अपनी इच्छा प्रदर्शित करता है, मुमुक्षु बन जाता है, मुक्त होने की भावना अंदर प्रकट हो जाती है। तो ऐसे मुमुक्षु अपने गुरु भगवंत के पास जाकर के संसार से मुक्त होने की अपनी इच्छा प्रदर्शित करता है। तब गुरु एक बात करते हैं कि जाओ तुम अपने परिवार के सभी जितने भी लोग हैं उनकी आज्ञा लेकर आओ, मतलब उनके सम्मति लेकर आओ कि मैं दीक्षा लेने जा रहा हूं और आप सब मुझे दीक्षा लेने के लिए सम्मति प्रदान करो। उसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है कि आपकी दीक्षा लेने का भाव, उसके पीछे तो अनंत जीवों को अभय दान देना है। आप केवल एक जीव को, अपने ही जीव को सुखी करने के लिए नहीं जा रहे हैं, आप अनंत जीवों की अभय दान की कामना करके निकल रहे हैं और आपके संयम का आचरण अनंत जीवों को अभय दान देने वाला बनने वाला है। जो हमारा जीवन संसार के प्रतिदिन जो हम जीवन में कार्य करते हैं उससे तो अनंत जीवों की हत्या होती है, असंख्य जीवों की प्रतिदिन हत्या होती है, खाने में, पीने में, जाने में, आने में, बोलने में। हम बोलते हैं तब भी हमें ना जागृति कहाँ होती है, हम जब बोलते हैं तो मुंह पर मोमबत्ती रख कर नहीं बोलते हैं, मुंह के उच्छ्वास से, मुंह में से निकलते थूक के सूक्ष्म कणों से वायु के जीवों की हत्या होती है। जब मुनि तो ये सोचकर और ये समझकर चलते हैं कि हमारे जीवन में बोलने से भी किसी जीव की हत्या ना हो, शरीर के बोलते वक्त शरीर के उष्णता उच्छ्वास द्वारा निकलती है, तो उच्छ्वास द्वारा निकलती हुई उष्णता से वायु काय के जीवों को पीड़ा ना हो, उसको खिलाना ना हो, इसलिए मोमबत्ती रखते हैं। और मोमबत्ती का उद्देश्य बहुत ऊंचा है, संसार में यही एक धर्म है, मतलब जैन धर्म ही एक धर्म है जिसने मोमबत्ती रजोहरण जैसे उपकरणों की बात कही है कि प्रत्येक जीव को बचाना, प्रत्येक जीव को अभय दान देना हमारा कर्तव्य है। और ये दीक्षा लेने निकला जीव अनंत जीवों को अभय दान देने वाला है तो उसके द्वारा उनके परिवार के किसी भी जीव को पीड़ा ना हो, दुख ना हो, इसलिए आज्ञा लेनी यानी उनकी सम्मति लेनी आवश्यक बन जाती है। इतना आप कहते हैं गुरु महाराज कि जाओ तुम अपने घर जाओ और सभी की सम्मति लेकर आओ, आज्ञा लेकर आओ, जो वड़ील है मतलब बड़े लोग हैं, बुजुर्ग हैं उनकी आज्ञा और जो समान वय वाले हैं उनकी सम्मति और छोटे जीव हैं, छोटे लोग हैं उनके, मतलब आपके प्रति बहुमान की भावना और खुशी से आपको जाने के लिए सम्मति दे। ऐसी भावना, ऐसी बात गुरु महाराज कहते हैं, लेकिन साथ में एक दूसरे भी बात करते हैं कि जाओ तुम सबकी सम्मति लेकर आओ लेकिन विलंब मत करना। मां परिबंधन कुणा ह, मतलब प्रतिबंध, विलंब मत करना, तुम्हारे मन में जो भाव उठे हैं वो भाव लंबे समय तक बने नहीं रहेंगे। चित्त की दशा ही ऐसी है कि अच्छे भाव लंबे समय तक टिक नहीं पाते हैं। बहुत पुण्यशाली हो, बहुत ही साधना की हो तो वो अच्छे भाव की धारा लंबे समय तक चल सकती है। बाकी अच्छे भाव तो दिन में अनेक बार आते हैं, अनेक बार हमारे मन में ये भाव आते हैं कि मैं संसार को छोड़ करके चला जाऊं, मुझे अब संसार में नहीं रहना है, ऐसे भाव मन में आ जाते हैं। लेकिन दूसरे ही क्षण हमारे मन के भाव विलुप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसलिए यहाँ कहते हैं कि जाओ तुम अपने माता पिता की आज्ञा लेकर आओ, अपने साथीदारों की सम्मति लेकर आओ और सबकी रजामंदी लेकर आओ, सबको अच्छी तरह समझा कर आओ। अब वो घर जाकर के सबको समझाता है, लेकिन संसार के सभी जीव तो मोह और अज्ञान दशा में पड़े हुए हैं, उनको ये बात मन में रुचती नहीं है कि ये संसार छोड़कर जा रहा है तो हमें क्या होगा, ये संसार में रहेगा तो मेरे प्रति तो उनके अच्छे भाव है, मेरा साथी बन सकता है, मेरा
वृद्धावस्था में मेरी मदद कर सकते हैं, ऐसे ऐसे विकल्प मन में पड़े रहते हैं। इसलिए वो पहले तो पहली बार जब वो कहता है कि मुझे दीक्षा लेनी है, तब वो सारे लोग मना करने लगते हैं। फिर धीरे 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 अपनी दृढ़ता दिखाने लगता है, तब वो सांसारिक लोग ढीले पड़ने लगते हैं और अंत में जा करके दीक्षा देने की लेने की सम्मति देते हैं। अब जब सम्मति मिल जाती है तो हर्ष का अतिरेक हो जाता है, अंदर अत्यंत हर्ष होता है कि अब मैं मुक्त होने की दशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं। और वो गुरु महाराज के पास आता है, आकर के कहता है कि गुरु महाराज, मेरे जितने भी लोग हैं मेरे परिवार के, सभी की मुझे सम्मति प्राप्त हो गई है और अब मैं केवल आत्म कल्याण करने के लिए, स्व और पर के हित के लिए संयम ग्रहण करना चाहता हूं। ये अंदर तीव्र तालावेली होती है, तीव्र आकांक्षा होती है, तीव्र भाव होता है। और इसीलिए जब उनको रजोहरण दिया जाता है, मतलब ओघा दिया जाता है, तो वो नाचता है। वो नाचता है, वो इसलिए नहीं नाचता है कि सभी लोग नाचते हैं इसलिए हम भी नाचे, ऐसी बात नहीं है। उस समय उनके मन में ये भाव आता है कि मेरे जीवन में जो साधने जैसी बात है वो मुझे आज मिल गई है, मुझे जो चाहिए वो मुझे आज मिल गया है, उसका अतिरेक है। और जब अतिरेक होता है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति होती है, तो जीव अत्यंत खुश हो जाता है। और जब खुश होता है तो नाचता है, गाता है और अपने अपने आंतरिक भावों को प्रदर्शित करता है। अब ये बात हमें देखनी है कि जब कोई दीक्षा लेता है, रजोहरण प्राप्त होता है, तो नाचने लगता है, तब ये शास्त्रकार कहते हैं कि यही भाव दीक्षा लेने के बाद बना रहता तो इसी जन्म में मुक्ति मिल जाती। क्या कहते हैं कि ये जो भाव है वो उत्कृष्ट भाव है। उत्कृष्ट भाव यदि जीवन भर टिक पाता तो उसी भाव में मुक्ति निश्चित हो जाती, लेकिन वो टिक नहीं पाता है, वो नीचे गिरने लगता है। और जो दीक्षा लेते हैं उनके मन में ये भाव आ जाता है कि मुझे जो प्राप्त करने जैसा था वो मिल गया, अब और कुछ करने जैसा नहीं है। और उसी वहीं से प्रमाद की शुरुआत हो जाती है, वहीं से क्रिया मार्ग में चले जाते हैं। तो यहाँ उसके लिए ये कहते हैं कि भाई आपने व्रत तो ग्रहण कर लिए, तो फिर क्या करना चाहिए? इसके लिए कहते हैं कि ज्ञान परायण, आपको ज्ञान परायण होना चाहिए। मतलब अव्रत की अवस्था में से व्रतावस्था में आए, व्रत की अवस्था में आए, और व्रत की अवस्था में जब आ गए तो ज्ञान परायण यानी शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए और उसका चिंतन करना चाहिए, उसको इतना चिंतन की इतनी दशा तक पहुंचा देना चाहिए कि वो भाव के स्वरूप बन जाए। मतलब यहाँ जो अंतरात्मा की बात कही है वो अंतरात्मा की अनुभूति के स्तर पर आ जाए। तो ज्ञान परायण का अर्थ है अनुभवात्मक ज्ञान की स्थिति में आ जाए। उनको ये ज्ञान तो हो गया था जब व्रत ग्रहण किए तभी कि बाह्य जो संसार की प्रवृत्तियां हैं वो त्याज्य है, छोड़ने लायक है, ये है, इतना ज्ञान तो हो ही चुका था। लेकिन वो ज्ञान अब अनुभवात्मक स्तर पर जब दीक्षा लेते हैं तो प्रलोभन भी बढ़ जाते हैं। जब आप घर में होते थे तब, यानी घर में हम हैं, तब हमारा हमको अपनी इच्छित वस्तु और हमको मनाने वाले दो चार लोग होते हैं, हमको इच्छित वस्तु के प्रति प्रेरित करने वाले दो चार पांच लोग होते हैं, यानी कि पति या पत्नी, पुत्र या और थोड़े बहुत मित्र, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन जब आप संयम ग्रहण कर लेते हैं तो जितने भी श्रावक श्राविकाएं हैं वो आपको अपनी सारी संपत्ति न्योछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। मतलब उनके लिए साधु सर्वश्रेष्ठ है भी सही, उसका जीवन भी उतना ऊंचा है, लेकिन उसमें कैसे रहना चाहिए उसकी बात करते हैं शास्त्रों में। ये बताया जब ये ज्ञान परायणता आती है तो कहते हैं कि श्रावक के लिए ज्ञान परायणता ये है कि वो साधु जब घर में आए तो उनके सामने आप अपनी सारी संपत्ति न्योछावर कर दीजिए, क्योंकि आप जो जीवन
जीना चाहते हैं और जी नहीं पाते हैं वो जीवन वो जी रहे हैं। आज हमारा बड़ा पुण्य है, श्रेष्ठ पुण्य है कि हमारे घर ऐसे संत महात्मा के चरण पड़े, और इसलिए अत्यंत भावपूर्वक संपत्ति उनके चरणों में दे दीजिए। लेकिन साधु के लिए क्या कहते हैं? साधु के लिए कहते हैं कि आपके सामने संसार की सभी संपत्ति आपके पैरों में पड़ी हुई हो, तब केवल एक लूखी रोटी, सूखी रोटी के अलावा आप उसमें से कुछ भी ग्रहण मत कीजिए। ये ज्ञान दशा है, वो भी इसलिए कि मुझे स्वाध्याय करना है, साधना करनी है, मुझे जीवन को अच्छी तरह जीना है और भाड़ा भी देना है देह को, इसलिए आवश्यक है। और उस की पूर्ति श्रावकों के द्वारा हो रही है, इसलिए मुझे पर कल्याण भी करना चाहिए, क्योंकि वो मेरे आत्मिक साधना में निमित्त बनते हैं, उनका आहार उनका अन्न मेरी आत्मिक साधना में निमित्त बनता है, तो मेरा परम कर्तव्य बन जाता है कि जिस तरह से मैं जागृत हुआ हूं उसी तरह से उनको भी जागृत करूं। ये व्रत के पालन करने वाले जीवों की ये दशा है, और जैन शासन उस पर बहुत गंभीरता से बात करता है कि व्रति ज्ञान परायण, व्रत धारण करने वाले, संयम ग्रहण करने वाले, संयम का आचरण करने वाले ज्ञान परायण हो। उनको तो जगत में आत्मा के अलावा कोई और चीज अच्छी लगती ही नहीं है। देख तो सर्वथा त्याज्य है, लेकिन छोड़ नहीं सकते हैं। जब तक आयुष्य पूर्ण नहीं होता है तब तक उसको छोड़, लेकिन देहाशक्ति तो त्याग कर सकते हैं, वो कैसे होगी? तो ज्ञान परायणता से आती है, और जब ज्ञान परायणता हो जाती है तो परमात्मा ज्ञान संपन्न हो जाता है, तब वो परमात्मा के ज्ञान से युक्त हो जाते हैं, संपन्न हो जाते हैं, उनकी समृद्धि वो हो जाती है। अब संसार के किसी भी व्यक्ति की अपेक्षा सबसे ज्यादा सुखी कोई हो तो वो ये परमात्मा ज्ञान संपन्न जीव है, मतलब चक्रवर्ती से भी, राजा से भी, इंद्र से भी ज्यादा सुख यदि किसी को इस संसार में है तो वो आत्मज्ञान संपन्न जीव को है। इसलिए यहाँ कहते कि परमात्म ज्ञान संपन्न स्वयमेव परो भवेत, ऐसी अवस्था में रहने वाले जीव स्वयं पर बन जाता है, मतलब स्वयं परमात्मा बन जाता है, और उनके मुख पर, उनकी आंखों में, उनके व्यवहार में इतनी तेजस्विता ओजस्विता होती है कि उनको देख करके हमें इतनी शाता पहुंचती है, उनसे बात करके हमें इतना आनंद आता है, उनकी नजर हमारे हमारे पर पड़े तो भी हम धन्यता का अनुभव करते हैं, मतलब उनकी दृष्टि में भी इतना दम है, इतनी शक्ति है कि हमारे जीवन को पावन कर देती है। उनकी दृष्टि यदि हमारे पर पड़ती है तो हमारा जीवन पावन हो जाता है। इसलिए यहाँ कहा है कि परमात्मा ज्ञान संपन्न, जब परमात्मा ज्ञान से संपन्न हो जाते हैं तो स्वयं परमात्मा बन जाते हैं। तो यहाँ जो हमें एक मार्ग दिखाया कि जिसको जीवन में आगे बढ़ना है, व्रत का आचरण नहीं किया है उसको व्रत ग्रहण करना चाहिए, जिन्होंने व्रत ग्रहण कर लिए उसको ज्ञान परायण होना चाहिए, जो ज्ञान परायण हो गए उसको स्वयं के अंदर स्थिर रहने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, और ऐसा करने से जीवन में वो परमात्मा दशा को प्राप्त हो जाता है। लिंगम देहाश्रितम दृष्टम, 87 श्लोक कि लिंगम देहाश्रितम दृष्टम देह एव आत्मनो भावः न मुच्यते भवात् तस्माते ये लिंग कृताग्रहः। लिंग कृताग्रहः कहते हैं कि जिसको लिंग का यानी वेश का आग्रह है, बाह्य स्थिति का आग्रह है, वो भाव से मुक्त नहीं हो सकता है। जो ये कहता है कि मैं तो लिंग को ही, लिंग का मतलब है चिन्ह, चिन्ह का मतलब है बाह्य परिवेश, जो बाह्य परिवेश को ही महत्ता देता है, उसका ही महत्व करता है, वो भाव से मुक्त नहीं हो सकता है। दो तरफ से ये बात करनी है, उसको समझने के लिए हम आचार्य हरिभद्र सूरी के द्वारा जो बात कही गई उसको थोड़ा समझेंगे तो ये बात स्पष्ट हो जाएगी। संसार में
अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, अलग अलग प्रकार की रुचि रखने वाले लोग होते हैं। सभी को एक ही चीज अच्छी नहीं लगती है इस संसार में। जैसे गुजरातियों को पहले रोटी अच्छी लगती है, रोटी खाते हैं, फिर दाल चावल खाते हैं। जब तक चावल नहीं खाते हैं तब तक तृप्ति नहीं होती है। लेकिन राजस्थान में जाओगे तो पहले चावल खाएंगे कुछ प्रदेश में, और उत्तर भारत में जाओगे तो चावल ही मुख्य आहार है, और दक्षिण भारत जाओगे तो चावल ही मुख्य आहार है। कई देश में चावल होते ही नहीं है, वहां और कोई आहार है। पर ये कहे कि मैं चावल खाऊं तभी मुझे तृप्ति होती है, तो वो जब भी अन्य अन्य प्रदेशों में जाएगा तो उसको तृप्ति नहीं मिलेगी। तो आग्रह है, वो आग्रह उसको दुख देता है। यहाँ कहते हैं आचार्य हरिभद्र सूरि के संसार के लोग अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ लोगों को केवल लिंग ही महत्वपूर्ण लगता है, मतलब साधु बन गए तो वो श्रेष्ठ हो गए। किसी को ये कि नग्न साधु ही श्रेष्ठ है, किसी को ये कि श्वेत वस्त्रधारी साधु ही श्रेष्ठ है। तो कहते हैं यहाँ लिंगम देहाश्रितम दृष्टम, लिंग है वो तो देहाश्रित है, वो देह के आधार पर रहा हुआ है, और इस कारण देह को ही आत्मा मानने वाली जो मान्यता है वो दृढ़ हो जाती है। मतलब देहाध्यास से मुक्ति नहीं मिलती है, ना उनको मिलती है, और जो ऐसा आचरण करता है उसको भी नहीं मिलती है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि लिंगम देहाश्रितम, जो लिंग है वो देह से आश्रित है, मतलब बाह्य परिवेश वो देह के साथ जुड़ा हुआ है। और जो लिंग को महत्व देता है वो कभी भी देहाध्यास से मुक्त नहीं हो पाता है। न मुच्यते भवात् ते, वो जीव भव से संसार से कभी भी मुक्त नहीं हो सकता है, क्योंकि केवल वेश को ही महत्व देने वाले लोग ये मानने लगते हैं कि मुझे वेश मिल गया इसलिए मैं श्रेष्ठ हो गया, अब मुझे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, मैं जो भी करूं वो श्रेष्ठ है, और मुझे अब कुछ करने की व्रत आदि का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने व्रत लिए नहीं है, जिन्होंने लिंग धारण नहीं किया है, जिन्होंने वेश परिधान नहीं किया, उनके लिए ये सब है। मैंने तो वेश धारण कर लिया इसलिए मुझे अब लाइसेंस मिल गया, ऐसा मानने वाले कभी भी भवों से संसार से मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए कहते हैं कि ये लिंग कृत आग्रह, मतलब वेश से उत्पन्न आग्रह का त्याग करना चाहिए, और हमें ये खोजने की और ये देखने की और अंदर आचरण करने की हमें कोशिश करनी चाहिए कि मेरी स्थिति कैसी है, मैं किसको महत्व देता हूँ, केवल वेश को परिधान को ही महत्व देता हूँ कि उनकी आत्मिक स्थिति को महत्व देता हूँ। दूसरे की आत्मिक स्थिति में जान नहीं सकता, इसलिए मैं मेरी आत्मिक स्थिति की बात तो कर ही सकता हूँ, मेरी आत्मिक स्थिति कैसी है, मैं वेश यानी बाह्य परिवेश को ही महत्व देता हूँ, तो वो कहते हैं कि वो बात सही नहीं है। हमने भारतीय संस्कृति में देखा है कि जनक राजा सिंहासन पर बैठ करके भी महायोगी कहलाए, क्योंकि वो राज्य का पालन करते हैं, उससे अनासक्त थे, उसमें जरा भी आसक्त नहीं थे। उसी तरह जब हम लिंग को गौण करके आत्मिक साधना को महत्व देते हैं तब हमारी जो स्थिति है वो आगे बढ़ने लगते, विकास होने लगता है, आंतरिक स्थिति का विकास होता है। न मुच्यते भवात् तस्मात्, ये बात करके पूज्यपाद देवानंदी जी हमें सावधान करते हैं, कहते हैं कि भाई केवल लिंग को महत्व मत दो। लिंग जरूर साधन बन सकता है, वेश साधन बन सकता है, लेकिन साध्य नहीं है। साधन का सम्यक उपयोग करने से हम साध्य तक पहुंच सकते हैं। साध्य हमारा आत्मा ही है, आत्मदशा में रहना ही हमारा साध्य है, और उस साध्य को साधने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए और हमें लिंग को छोड़ना चाहिए। तो हरिभद्र सूरि ने पहली बात कही कि भाई कुछ लोग तो ऐसे आते हैं, अधिकतर लोग ऐसे होते हैं जो लिंग को ही महत्व देते हैं, वो सामान्य कोटि के जीव है। दूसरे आचार को महत्व देते हैं,
मतलब ये कहते हैं कि भाई मलिन वस्त्र धारण करते हैं या मलिन शरीर धारण करते हैं, वो नहाते नहीं है, वो गर्म वस्त्र धारण नहीं करते हैं, और बहुत जाड़े के दिन में भी वो एक भी उन्हीं वस्त्र धारण नहीं करते या संपूर्ण रूप से नग्न रहते हैं, तो उनका आचार श्रेष्ठ है, इसलिए वंदनीय है। तो पहले की अपेक्षा पहला जो लिंग को वेश को ही महत्व देता था, उसकी बजाय दूसरे की दृष्टि सूक्ष्म बनी है, ये आचार को भी महत्व देता है। वो देखने लगता है कि दोपहर में जब सब लोग खा लेते हैं उसके बाद गोचरी के लिए निकलते हैं और घर में बचे खुचा अन्न ही लेते हैं, कभी भी उन्होंने गर्म भोजन की अपेक्षा नहीं रखी है, तिथि के दिन उपवास रखते हैं, छठ अठम अट्ठाई वगैरह करते रहते हैं, उग्र विहार करते हैं और शुष्क आहार ग्रहण करते हैं, उनके शरीर से भी ये दिखाई देता है। तो उनके आचार को देख करके उनके प्रति हमारी भक्ति पैदा हो जाए, वो पहले प्रकार के जीवों की अपेक्षा ज्यादा आगे बढ़े हुए हैं, उनकी दृष्टि सूक्ष्म बनी है, उनके मन आचार ही श्रेष्ठ है, वेश गौण बन जाता है, आचार महत्वपूर्ण बन जाता है। ये दूसरे कोटि के जीव को मध्यम कोटि के जीव बताया है, और उत्तम कोटि के जीव उनकी दशा को देखते हैं कि भाई वस्त्र मलिन धारण करते हैं वो तो ठीक है, आचार भी उनका श्रेष्ठ है और दशा भी श्रेष्ठ है। तो जो दशा को देखने लगते हैं, आंतरिक दशा को, मतलब उनको अच्छा मिला तब भी अनासक्त रहे, कुछ नहीं मिला तब भी वो ठीक, मतलब शास्त्रों में ये बात कही गई है कि यदि भोजन मिलेगा तो स्वाध्याय की वृद्धि होगी और जब भोजन नहीं मिलेगा तो तपो वृद्धि होगी, मतलब दोनों दशा में खाना मिला तब भी अच्छा, नहीं मिला तब भी मेरे लिए अच्छा ही है, इस प्रकार की भावना, इस प्रकार की दशा, वो उत्तम कोटि की दशा है, आत्मा के प्रति जागरूकता की दशा है। तो जो ये लिंग को महत्व न दे करके आचार के साथ साथ उनकी ज्ञान दशा को भी, उसकी अनुभव दशा को भी महत्व देते हैं, वो श्रेष्ठ जीव है। तो यहाँ पूज्यपाद देवानंदी जी सावधान करते हैं कि केवल लिंग से कुछ भी नहीं होगा, लिंग से भव की मुक्ति नहीं होगी, लिंग का मतलब वेश परिधान आदि से मुक्ति नहीं होगी। आप स्वच्छ वस्त्र पहनते हैं इसलिए श्रेष्ठ नहीं हो जाते, आप उत्तम वस्त्र पहनते हैं इसलिए श्रेष्ठ नहीं बन जाते। व्यवहार में ये सब चलता है, पॉलिटिक्स में चलता है कि आप हर रोज नए नए वस्त्र पहनो, हर दिन हर क्षण हर घंटे नए नए वस्त्र पहनो तो लोग आपको दिव्य मानने लगेंगे कि अरे वाह कैसा है ये, उनके वस्त्र हर समय नए नए होते हैं। तो व्यवहार में, पॉलिटिक्स में, संसार में ये श्लाघ्य हो सकता है, लेकिन आत्मदशा के लिए तो ये सब त्याज्य है, वो श्लाघ्य नहीं है, प्रशंसनीय नहीं है। तो इसके लिए कहा कि लिंग को, लिंग के आग्रह को छोड़ना चाहिए, जो अंदर आग्रह है उसका त्याग करना चाहिए। अब दूसरी बात के लिए सावधान करते हैं, वो कहते हैं कि जिस प्रकार से वेश महत्वपूर्ण नहीं है उसी प्रकार से जाति भी महत्वपूर्ण नहीं है। कोई ये कहे कि भाई ये तो राजपुत्र है इसलिए महान है, राजपुत्र ने राजा राज गादी छोड़ करके संयम ग्रहण कर लिया है इसलिए हमारे लिए पूज्य है, जाति को महत्व दिया, राज मतलब क्षत्रिय जाति को महत्व दे करके उनको। तो यहाँ कहते हैं कि क्षत्रिय, वो श्रेणिक महाराजा क्षत्रिय थे, मतलब वो राजा थे, जैन धर्म का पालन करते थे वो बात अलग है, लेकिन राज्य को भोगते थे, फिर भी उनके लिए नरक निश्चित हो गई थी। कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी जाति में कैसे कर्म करते हैं उससे के आधार पर आपके भावी का निर्माण हो जाता है, भावी निश्चित होता है, भावी निर्धारित होती है। परंतु कोई ये कहे कि मैं राजा बन करके राजपाट छोड़ करके दीक्षित हो गया हूं इसलिए मैं राजर्षि हूं, और राजर्षि हूं इसलिए दूसरे से ऊंचा हूं, तो जैन धर्म मना कर देता है। वो कहता है कि ऐसा मानना ही पतन की निशानी है, आप पतन पाओगे, आप नरक में जाओगे। जबकि मैतारज मुनि वो तुच्छ कुल में जन्मे थे,
हीन जाति में जन्मे थे, नीच गोत्र में जन्मे थे, लेकिन उसी भव में मोक्ष हो गया, उसी भव में कर्म का क्षय हो गया, ये सब हम जानते हैं। तो उनके उनका जीवन चरित्र जानते हैं, जीवन चरित्र में यही बताया कि भाई साधना ऊंची थी इसलिए वो आगे निकल गए। और क्षणिक महाराजा ने गलती कर दी थी, उस समय कर्म बंद हो गया इसलिए नीचे पड़े, नीचे गए। जातिर्देहाश्रिता दृष्टा देह एव आत्मनो भव, और जो जाति को महत्व देता है वो भी बहिरात्मा है, मतलब वो अंतरात्मा नहीं है। तो इसलिए यहाँ चेताते हैं, ये कहते हैं कि जाति भी देहाश्रित है और जो देहाश्रित को महत्व देता है वो बहिरात्मा है, और देह ही आत्मा है उनके लिए, वो अभी अंतरात्मा की दशा में नहीं आया है, और उसके कारण भी संसार से मुक्त नहीं होता है। तो कहते न मुच्यते भवात् तस्माते, ये जाति कृत आग्रह, जाति के द्वारा जो आग्रह करके बैठा है। यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण बात, ये पूज्यपाद देवानंदी जी कहते हैं कि आप श्रावक कुल में जन्म पाए हो इसलिए श्रेष्ठ हो गए, ऐसा मानना गलती है। ऐसा मानने से देहाध्यास टूटता नहीं है, आप ये मानिए कि हमें एक सु अवसर मिला है और उस अवसर को मुझे साधना चाहिए। दूसरी तरफ दूसरे लोग भी अपने जन्म में उच्च कार्य कर सकते हैं, कभी किसी को कोई निमित्त मिल जाएगा उसका कोई हमें पता नहीं है, और जब निमित्त मिल जाता है तो वो भी आगे बढ़ जाता है। इसलिए कहा कि भाई जातिकृत आग्रह का भी त्याग करना चाहिए, और जातिकृत आग्रह का त्याग करेंगे तभी हमारे अंदर आत्मदशा की तरफ प्रयाण होगा। जाति लिंग विकल्पेन येषां च समयाग्रह, अब कहते हैं कि जाति को आप महत्व देते हैं, लिंग को यानी वेश को महत्व देते हैं, और साथ में आगम का भी आग्रह रखते हैं कि भाई आगम में ये कहा है, शास्त्र में ये कहा है, इस ग्रंथ में ऐसा कहा है, इसलिए ऐसा होना चाहिए। बात सही है कि आगमों में कहा गया है, पर बहुत गंभीरता से आप सोचेंगे, बहुत सूक्ष्मता से चिंतन करेंगे तो आपको जो बात कही है उसका पूरा सम्यक बोध होगा, अन्यथा सम्यक बोध नहीं होने के कारण आग्रह आ जाता है भी नहीं नहीं ऐसा तो नहीं करना चाहिए, आगम में कहीं भी ऐसा नहीं कहा, या आगम में ऐसा कहा ऐसा ही करना चाहिए। तो यहाँ पूज्यपाद देवानंदी जी सावधान करते हैं, कहते हैं कि समयाग्रह जहां वही आवश्यक है, हर जगह समयाग्रह नहीं करना चाहिए, आप समयाग्रह करोगे तो गिरोगे पड़ोगे। इसलिए परमात्मा ने अपनी देशना में कहा है, उपदेशमाला में धर्मदास गणी ने कहा है, और महोपाध्याय यशो विजय जी ने अध्यात्म सार में कहा है कि जैन धर्म में किसी भी बात का एकांत आग्रह नहीं है, मतलब कि एकांत विधान नहीं है और एकांत निषेध नहीं है, जो सत्य है उसी को आचरण, उसी का आचरण करना चाहिए, सत्य का आचरण करना चाहिए, सत्य को पकड़ना चाहिए, सत्य की बात करनी चाहिए, मतलब कि कहीं भी एकांत रूप से विधान भी नहीं किया है, एकांत रूप से निषेध भी नहीं किया। इसलिए यहाँ कहते हैं कि आपका जीवन, आपका आचरण जाति लिंग और विकल्प से पर और समय के आग्रह से, समय का मतलब है आगम, आगम के आग्रह से भी मुक्त होना चाहिए। जो समय का आग्रह रखता है तेपी न प्राप्नुवंती, वे लोग भी कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, वो भी परम पद को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, परम पद की प्राप्ति के लिए उस आग्रह को छोड़ना पड़ेगा, सत्य को ही लक्ष्य में रखना चाहिए पड़ेगा। यत्त्यागाय निवर्तन्ते भोगेभ्यो यद् अवाप्यते प्रीति तत्रैव कुर्वन्ति द्वेषम् अन्यत्र मोहिनः। त्याग, जिसके त्याग से अथवा मतलब अर्थात शरीर के ममत्व के त्याग से
जिसको परमात्मा पद प्राप्त करने के लिए इंद्रियों के भोग से मुक्त होना चाहिए या मुक्ति पाता है, वह यानी कि शरीर और इंद्रियों की आसक्ति से मुक्त होकर के जब आगे बढ़ता है तो वो अध्यात्म की दिशा में आगे बढ़ता है। लेकिन जो शरीर और इंद्रियों के विषयों के प्रति प्रीति धारण कर लेता है, उसमें मोहित हो जाता है, वह अन्यत्र यानी कि परमात्मा पद पर द्वेष करने लगता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही कि भाई जब आप आगे बढ़ने की बात करते हो, यद त्यागाय निवर्तन्ते भोगे व्यो यद अव्याप्ते प्रीतिं तत्रैव कुर्वन्ति द्वेषं अन्यत्र मोहिना। जब आप इंद्रिय और मन, उनके विषय, उनके प्रति आप विरक्त होने लगते हो तो देह से भी विरक्ति आ जाएगी। लेकिन जब आप उस उसके प्रति विरक्त नहीं होते हैं तो देह के प्रति हमारा राग पैदा होता है और वितराग के प्रति द्वेष होने लगता है। मतलब द्वेष प्रकट रूप से नहीं होता है, कभी कभी हम ये अनुभव भी नहीं करते हैं कि मैंने द्वेष कर लिया, लेकिन जिनको वितराग परमात्मा के प्रति अनुराग है, प्रीति है। आप देखिए आनंद गण जी को प्रीति थी, कितनी प्रीति थी, तो वो कहते हैं कि ऋषभ दिनेश्वर प्रीतम मारो और न चाहू रे कन रिजो साहिब संग न परिहरे आगे साध अनंत। ये प्रीति का स्पष्ट हमें बोध यहाँ दिखाई देता है कि कितनी प्रीति की, और मुझे कहीं भी रुचि नहीं होती, और न चाहू रे कंत, मैं किसी और को चाहता ही नहीं, और किसी को स्वामी बनाने की इच्छा ही नहीं होती है। लेकिन हमारे मन तो जब भी हम स्वाध्याय करते हैं तब ये शब्द बोल देते हैं, स्तवन करते हैं तब बहुत अति सुंदर राग से गा भी लेते हैं, लेकिन जैसे ही मंदिर से बाहर निकलते हैं, स्वाध्याय से बाहर निकलते हैं, तो हमारे मन खाना पीना वेश परिवेश साधन सामग्री करना फरना घूमना लोगों को देखना अलग अलग प्रोग्राम देखना टीवी को अंदर अलग अलग सीरियल देखना वो हमारे लिए प्रिय हो जाता है। तो क्या कहते हैं कि यहाँ ऋषभ दिनेश्वर प्रीतम मारो और न चाहू रे कंत्री जो साहिब संग न परिहरे मांगे साध अनंत। हमारी प्रीति तो परमात्मा आपके प्रति हो गई है। जीवन जीने के लिए खाना ठीक जरूरी है, घूमना थोड़ा बहुत जरूरी है, लेकिन उसमें मुझे रुचि नहीं रही है। अब मुझे कोई भी पदार्थ अच्छा नहीं लगता है क्योंकि मैंने आपको पा लिया है, मैं आप में अनुरक्त हो गया हूँ, मैं आप जैसा बनना चाहता हूँ। तो मेरा जो अब रुझान है, मेरी जो प्रीति है वो आपके प्रति है। आप वितराग है और वितराग होने के कारण मुझे भी वितरागता के प्रति अनुराग पैदा हो गया, और वितरागता के प्रति अनुराग पैदा होने के कारण मैं भी अब आगे बढ़ने लगा हूँ। अब मुझे संसार की कोई भी वस्तुओं के प्रति प्रीति नहीं रही है, मतलब मैं आसक्त नहीं होऊंगा। ये जागृति, ये भाव हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाता है। यही बात पूज्यपाद देवानंद जी इस ग्रंथ में बार बार कहते आए हैं कि हमारी प्रीति कहाँ है, हमारी साधना कहाँ है, हम किसको महत्व देते हैं, किससे मुक्त होना चाहते हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसकी खोज करना चाहिए, उसको हमें चिंतन में ला करके श्रेष्ठ भाव धारण करना चाहिए। इतना कहकर मैं आज स्वाध्याय को विराम देता हूँ। नील भाई आइए और जी जी थैंक यू सो मच जीतू भाई, बहुत ही वंडरफुल स्वाध्याय था। अभी किसको भी कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेस कर सकते हैं। प्रणाम जीतू भाई। हाँ जी प्रणाम। खूब सरस स्वाध्याय आज नो। अविरति एटले कोई पण जात नु व्रत न होय एने आपणे अविरति कहीए छे, एम छे ने? तो आपणे बार व्रत अंगीकार करिए पछी आपणे वीरतीમાં આવીએ કે બીજા નાના મોટા વ્રતો લઈએ તો પણ વીરતીમાં કહેવાય? સૌથી પહેલા આપણે વિરતી એટલે સંયમ,
संयम ना बे भेद पाड़िया परमात्मा जरे ने देशना त्यारे पहला सौथी पहला संयम ने सर्व संगनी त्यागनी बात पहले सर्व के जेने सर्ववृत्ति प्राप्त करवानी क्षमता नथी जे ए दिशा में आगळ वधी शके एवी शक्ति धरावता नथी तेमना माटे देशवृत्ति અને દેશવીરતીમાં પણ જે બારે બાર વ્રત ધારણ નથી કરી શકતા, કોઈ એક વ્રત ધારણ કરે, કોઈ આંશિક વ્રત ધારણ કરે, તે પણ વ્રતી કહેવાય. પણ એ દેશવીરતીના બારે વ્રત ધારણ કરનારની અપેક્ષા એ અલ્પ વિરતીમાં છે, પણ વિરતીમાં કહી શકાય. એટલે વિરતી વ્રતનું ધારણ કરવું તે છે, એક કે એક કરતા વધુ વ્રત. સંપૂર્ણ વ્રત નું ધારણ કરનાર સર્વવિધિ તે સર્વશ્રેષ્ઠ છે. હા, એક મિનિટ, મહેન્દ્રભાઈ આપકો અનમ્યુટ કરના પડેગા. આપે બતાવ્યું લિંગમ દેહશ્રેતમ, એટલે ભાવ મુનિ ને લિંગ મુનિ અથવા દ્રવ્ય મુનિ ને ભાવ મુનિ ની વાત થાય છે, એ વાત છે. દ્રવ્ય લિંગ ધારણ કરીને મુનિ માને છે પોતાની જાતને, તેના માટે અહીંયા એને ચેતવે છે, એને સાવધાન, ઉનકો સાવધાન કર રહે કે ભાઈ કેવલ દ્રવ્ય લિંગ સે કોઈ કામ હોને વાલા નહીં હૈ. દ્રવ્ય લિંગ કે આવશ્યક હૈ, દ્રવ્ય લિંગ જરૂરી હૈ, લેકિન દ્રવ્ય લિંગ કે આરાધના કે દ્વારા આપકો ભાવ લિંગ તક પહોંચને કા ભાવ રખના હૈ, લક્ષ્ય ભાવ લિંગ હોના ચાહીએ. જી મહેન્દ્રભાઈ, આપકો અનમ્યુટ કરના પડેગા. યા હાજી, અંત મેં એક સમજ મેં નહીં આ, સમયાગ્રહ કરોગે તો ડૂબેંગે, વો જરા આપ સમજાયેંગે. મતલબ શાસ્ત્ર આગમ, આગમ કી પંક્તિઓ કા આગ્રહ, મતલબ આગમ મેં એસા હી કહા ઇસલિએ એસા હી કરના ચાહીએ, વો આગ્રહ નહીં રખના હૈ. અલ્ટિમેટલી યહાં આગ્રહ છોડને કી બાત કહેતે હૈ કે ભઈ કિસી ભી પ્રકાર કા આગ્રહ આપકો આગે બઢને મેં અવરોધ પેદા કરેગા, ઇસલિએ આપ આગ્રહ મત કીજીએ, કહીં ભી આગ્રહ મત કીજીએ, આપ જો સત્ય હૈ ઉસી કા સ્વીકાર કર લીજીએ. ઇસલિએ આગમ કી પંક્તિ કી બાત મેને કહી થી કે આગમ મેં સૂત્રકૃતાન મેં બહુ સ્પષ્ટ રૂપ સે કહા હૈ કે જિનેશ્વર ભગવાનો ને કહીં ભી સર્વથા વિધાન નહીં કા કિયા હૈ ઓર સર્વથા નિષેધ નહીં કિયા હૈ. કહેને કા મતલબ હૈ કે દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ ભાવ કે અનુસાર ઉસ સમય જૈસા ભી ઉચિત લગે વૈસા કરના ચાહીએ, વહી શાસ્ત્ર કા અંતિમ ઉપદેશ હૈ. લેકિન હમ લોગ ક્યા કરતે હૈ, હમ લોગ થોડા બહોત પઢ કરકે થોડા બહોત સુન કરકે આગ્રહ મેં આ જાતે કે નહીં ઉન્હોને એસા હી કહા ઇસલિએ એસે હી કરના હૈ, આપ એસા કરોગે તો દોષ લગેગા, એસા કરોગે તો મુશ્કિલ મેં આ જાઓગે, એસા કરોગે તો આશાત ના હોગી. યે સારી બાતે હમે નહીં કરની ચાહીએ, ક્યોંકિ હમે તો યે ભી પતા નહીં કે હમ જો કર રહે હૈ વો આશાતના હૈ કે ભક્તિ હૈ. જી જી મહેન્દ્રભાઈ, અનમ્યુટ કરના પડેગા આપકો. ખૂબ ખૂબ આભાર જીતેન્દ્રભાઈ. નીલભાઈ ધન્યવાદ, થેન્ક યુ વેરી મચ. થેન્ક યુ મહેન્દ્રભાઈ. પૂર્ણિમાબેન, આપકો કોઈ પ્રશ્ન હૈ? ઓકે, તો જીતુભાઈ, યહાં હમારે પ્રશ્ન સમાપ્ત હોતે આજ કે, તો હમ આજ કે સેશન કે વિરામ કી ઓર આગે બઢ સકતે હૈ જગત કે. યા યા, થેન્ક યુ સો મચ જીતુભાઈ. જગત કે સભી જીવો કા કલ્યાણ હો, જગત કે સભી જીવો કા મંગલ હો, જગત કે સભી જીવ હમારે મિત્ર હૈ, કોઈ ભી હમારા વેરી નહીં, ઇસ ભાવના કે સાથ પ્રાર્થના. અણુ પરમાણુ શિવ બની જાઓ, અખા વિશ્વ નું મંગલ થાઓ, સર્વે જીવો મુક્ષી જાઓ. ખામી મી સવ જીવે સવે જીવા ખમંતુ મે, મિત્તિ મે સવ ભૂએ સુ વૈરમ મજ્જન કિર્ણી, સર્વથા સૌ સુખી થા ઓ પાપના કોઈ આચરો, રાગ દ્વેષથી મુક્ત બની ને સમતા સૌ સમાચરો.